Hello guys, how are you? My name is Fawad. First of all, like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. Recent time में मुझे एक video उसकी बहुत ज़्यादा request आई है. वो एक short movie है, हिंदू मुस्लिम angle की है. आजकल हिंदू मुस्लिम वैसे बहुत हो रहा है इंडिया में, लेकिन बहुत अच्छी सीख देता है ये video. Video का title है लड्डू, एक बच्चे की मासूम बातें और उसके सवालात जिसके जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर बच्चे तो सवाल करते ही हैं. मुझसे ये कहा गया है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखना, उस पर रिएक्शन तो बनता ही है. आई लाइक किड्स वीडियो और मुझे बहुत मज़ा आएगा देखते हुए. मैंने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ ली है, आप लोगों के साथ देखना चाहता था. तो बिना कोई टाइम ज़ाय किए आइए वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि हमें आज क्या सीख देता है. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Reliance Entertainment. Okay, ये बड़े स्टूडियो की तरफ से actually. नीरज पांडे, लड्डू. राहुल चोट लग जाएगी. राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे. राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो. राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा. आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी. शांता भाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई. तुम अभी ये नहीं खा सकती. क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है. भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता. दो ना प्लीज. आज दादाजी की बरसी है. वाओ. बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके. दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए. तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं. तो क्या पंडित जी दादाजी के स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो. तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना, अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना. तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? बच्चों का काम ही यही है. ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है. बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है. तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ. लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था. तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा. आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? वाओ, मुझे तो जरूर देखना है. मुझे अपनी माँ याद आ गई. ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना. पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम. मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्या नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ. तो फिर जल्दी पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ. ओह मान, रेडी फॉर द मिशन. अरे बाप रे, वॉचमैन अंकल. ये भी डरता है क्वेश्चन से. वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल. हेलो
मंदिर में ताला। ओके पंडित जी, नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया। एक आइडिया दूँ? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है? Brilliant question। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है, वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह।
दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। फाइनली जीत ही लिया दिल है ना। और ये दक्षिणा? नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी, तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। ब्रिलियंट राइटिंग, ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, बहुत ज़बरदस्त एंड स्वीट मैसेज है कि हम लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हुए हैं इतने ज़्यादा अपने अपने ओपिनियंस में, बिलीव्स में, कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते, हम लोगों के रास्ते भी जुदा जुदा हैं। ये तो बहुत बड़ी बहस है, मगर क्यों है, किस लिए है, किसने बनाए, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन इस बच्चे ने जो इमाम साहब है नहीं कि मौलवी साहब है मस्जिद, उनको सीख सिखा दी, और बच्चे के जो मासूम और कड़कते हुए सवाल थे ना, वाव, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त राइटिंग थी इस पूरे स्किट की, शॉर्ट मूवी की। मज़ा आया देख के, और एक चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और एक सीख मिल रही थी कि भाई हर इंसान बराबर है, हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो फ़कीर मांगता है कि भाई मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, किताब पंडित बन जाओ भी खाना ही मिलता। ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट हैं कि बरसी होती है या कोई दुआ वगैरह होता है तो बहुत सारे खाने बनाते हैं गरीबों में, मस्जिद में या मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम लोगों के कल्चर में शामिल है। और एक किस्म से रिस्पेक्ट भी होती है, और बिलीव्स की भी बात है। अब हर किसी का अपना अपना एक बिलीव है, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर एक को बोलेंगे का घर आता है तो दूसरा क्या सही हो जाएगा, तो अपने हिसाब से जो सही कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सीख दिखाती है कि इंसानियत पहले आती है और सब बराबर हैं। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं इस वक्त, हर कोई अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको बिलीव भी करता है, सोचता भी है, समझता है। दुनिया का हर मज़हब, हर रिलीजन आपको एक सीख सिखाता है, वो इंसानियत, और हमें वो इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तो मुझे तो इससे यही सीख मिली। अगर आपको ये वीडियो और रिएक्शन अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के और भी एक वीडियोज़ हैं आपके पास तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और लिंक्स भेजिए। शाउट आउट के साथ आपको रिएक्शन मिलेगा मुफ्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।